स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन केमिस्ट्री क्लास 11th सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1 वीडियो 3। आज का डिस्कशन प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे आप हमारे कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और आपको ऑटोमेटिक अपडेट मिलता रहेगा जब भी कोई वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 1.10 तक किया था, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.11 से। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सुगर C12H22O11 इन मोल पर लीटर इफ इट्स 20 gram are dissolved in enough of water to make a final volume up to 2 liter. चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है 20 gram of sugar। तो सबसे पहले, अच्छा पहले स्टेप्स आपको बता देते हैं। स्टेप 1 में क्या करना है, आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 में क्या करना है, आपको स्टेप 2 में मोलारिटी का फॉर्मूला बैठाना है, ठीक का फॉर्मूला बिठाना है, ठीक है, फॉर्मूला। बस इसी दो स्टेप से ये सॉल्व हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहां पे निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, मास ऑफ द सॉल्यूट 20 ग्राम है, दिया हुआ है, और मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास ऑफ सुगर वो निकाल लीजिए। मोलर मास ऑफ सुगर C12, तो 12 × 12, ठीक है, H22, दैट मीन्स इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, प्लस 1 × 22 प्लस, ओ 11 × 16 ये निकाला। तो इसका वैल्यू कितना हुआ, इधर तो 20 हो गया अपॉन, इसको सॉल्व कीजिए तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 342। ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब मोलारिटी का जो फॉर्मूला होता है, मोलारिटी का फॉर्मूला बैठाइए, मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। हमने ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहां पे लिखा हुआ है तो ये डायरेक्टली ये 20 upon 342 कर दीजिए। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 2 लीटर यहां पे दिया हुआ है आपका, करेक्ट, तो इतना ग्राम, ये भी ग्राम है, ये भी ग्राम है, तो इसको छोड़ दीजिए, हाँ, तो 2 लीटर, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 0585 upon 2, इसका हाफ कीजिए कितना हो जाएगा अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2925 मोल
पर लीटर, ठीक है, ये हो गया मोलर कंसेंट्रेशन, दैट इज मोलारिटी ऑफ द ऑफ सुगर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, 1.12, इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.793 केजी पर लीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड टू मेक 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 m सॉल्यूशन। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इस सम को भी हम फॉलोइंग स्टेप्स में इसको सॉल्व करेंगे। स्टेप वन, स्टेप वन में हम क्या करेंगे, स्टेप वन में मोलर मास ऑफ मिथेनॉल निकालेंगे, मास ऑफ मिथेनॉल निकालेंगे, मिथेनॉल मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CH3OH। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप टू में हम क्या करेंगे, टू में हम मोलारिटी ऑफ मिथेनॉल निकालेंगे, मोलारिटी ऑफ मिथेनॉल, ठीक है, CH3OH का मोलारिटी हम निकालेंगे। और लास्ट स्टेप में हम M1 स्टेप 3 में हम मोलारिटी M1V1 और M2V2 का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए तो एक तो स्टेप वन से पहले सॉल्व करते हैं मोलर मास ऑफ मिथेनॉल। मोलर मास ऑफ मिथेनॉल इज इक्वल टू, यहां पे कितने कार्बन है, वन कार्बन है, तो वन मल्टीप्लाई बाय 12, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 होता है, प्लस फिर कितने हाइड्रोजन है, चार हाइड्रोजन है, तीन यहाँ एक यहाँ, चार, तो 4 × 1। ऑक्सीजन कितने हैं, एक ऑक्सीजन है, 1 × 16। इसको पूरा सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 32 ग्राम पर मोल, ये आ गया मोलर मास ऑफ मिथेनॉल। अब नेक्स्ट मोलारिटी ऑफ मिथेनॉल निकालना है, तो मोलारिटी ऑफ मिथेनॉल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, तो मोलारिटी का क्या फॉर्मूला होता है, डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो 1000 ml और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला में डाल दीजिए, तो 0.7393 दिया हुआ है अपॉन 0.032, ये दोनों वैल्यूज दिए, अच्छा ये दोनों वैल्यूज दिए हुए हैं आपके, ठीक है,
तो एक ए वैल्यू कहाँ से आया? अच्छा, ये वाला एक ये फॉर्मूला यहाँ पे मत लगाइए, या हम इसको जरूरत ही नहीं है अभी। मोलारिटी यहीं से निकल आएगा कि 0.9793 ये ऑलरेडी आपके यहाँ पे दिया हुआ है, कहा गया डेंसिटी ऑफ मेथनॉल इतना दिया हुआ ऑलरेडी, 0.793। अब जो है सिर्फ मोलर मास से आपको डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हमने ये मोलर मास से डिवाइड कर दिया। ये कहाँ से आया मोलर मास? ये स्टेप वन में हमने मोलर मास निकाला था, ये 32 ग्राम पर मोल। इसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमने केजी में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम 0.32 kg per mole कन्वर्ट कर लिया, और वही वैल्यू यहाँ पे बिठा दिया, ठीक है। और 0.793 ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। इन दोनों को सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, 24.78 मोल पर लीटर। ये आ गया आपका इतना। सो 0.9793 क्या था? हमारा डेंसिटी था। डेंसिटी का स्टेटमेंट क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो इसीलिए हम डेंसिटी अपॉन मोलर मास लिख दिए, क्योंकि डेंसिटी में ऑलरेडी इंक्लूडेड है पर यूनिट वॉल्यूम, दैट मीन्स वॉल्यूम इज इन लीटर। तो मोल पर यूनिट पर यूनिट लीटर या मोल पर लीटर, ये हो गया मोलारिटी ऑफ मिथेनॉल। अब ये सब हो गया, अब लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, M1V1 = M2V2, मोलारिटी का इक्वेशन लिखेंगे। तो जहाँ पे M1V1 पहले के मास है और वॉल्यूम है, और बाद का पहला मोलारिटी और वॉल्यूम है, और दूसरा मोलारिटी और वॉल्यूम है। तो यहाँ पे इसको 24.78 ऑलरेडी हमारा M1 निकला हुआ है, V1 निकालना है, और यहाँ पे कितना लीटर का चाहिए, 2.5 लीटर का ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और कितना मोलारिटी वाला चाहिए, 0.25 मोल पर लीटर, ये इसकी मोलारिटी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों वैल्यू। तो यहाँ पे आप यदि जाएंगे तो देखिए 0.25 बाद का वॉल्यूम दिया हुआ है, और बाद के मोलारिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन वो भी दिया हुआ है। तो ये दोनों जब दिया हुआ है, तो V1 = हम लिख सकते हैं 2.5 × 0.25 / 24.78, इतना हो गया = इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0.0252 लीटर, ये हो गया। और = इसको ml में कन्वर्ट कर दीजिए, 25.22 मिलीलीटर, ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस, ऑफ द सरफेस। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल इज सोन एज बिलो। 1 pascal = 1 newton per meter square। इफ मास ऑफ एयर एट सी लेवल इज 1034 g/cm², कैलकुलेट द प्रेशर इन पैस्कल इन पैस्कल। हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इस सम को दो स्टेप में सॉल्व किया जाएगा। एक है स्टेप वन, यहाँ पे सबसे पहले हम प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है P = F/A, ये लगा के हम प्रेशर निकालेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ठीक है।
उसके बाद स्टेप टू में, स्टेप वन में ये सॉल्व होगा, और उसके बाद कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स होगा। स्टेप टू में क्या करेंगे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कन्वर्जन इनटू पास्कल पीए। ठीक है, चलिए पी पहले निकाल लें। एफ बाई ए, एफ कितना दिया गया है, 1034 दिया हुआ है, और ये मास दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एफ इजिकल टू एम ए, पहले ये कर लीजिए, फॉर्मूला लिख लेते हैं। एफ इजिकल टू हम क्या लिख सकते हैं, एम जी द वेट, और ये एरिया है, तो एम कितना है, 1034 इंटू 9.8, ये हो गया इंटू 9.8 पर सेंटीमीटर स्क्वायर तो है ही। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर जो है उसको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 100 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अल्टीमेटली इसको मल्टीप्लाई वगैरह करने के बाद हमें कितना आएगा, 1.013 इंटू 10^5 केजी ऐसा यूनिट में आ गया। ठीक है, पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब हम कन्वर्जन इनटू पास्कल करेंगे। तो हमें पता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है, 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 1 पास्कल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो इसका हमारा हो जाएगा वैल्यू कितना हो जाएगा, तो पैस, ठीक है, और ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि पैस्कल इज इक्वल टू 1 केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यहाँ पे ये बिठा दिए। अब इसको कन्वर्ट कर देंगे पैस्कल में, तो हमारा ये वैल्यू जितना वैल्यू आया था, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रेशर, बस यूनिट ही चेंज करना है। देखिए यहाँ पे कितना वैल्यू आया था हमारा, यहाँ पे इतना इतना वैल्यू था ना। ठीक है, तो यहाँ पे केजी पर, यहाँ पे एक मिस्टेक है, पर यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो देखिए केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, पैस्कल लिख सकते हैं। 1 पैस्कल इज इक्वल टू, 1 पैस्कल इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10^5 पैस्कल, ये आ गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और 10^5 कैसे आया, इसका भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये रिलेशन दिया हुआ है 10^5। अब यूनिट केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसके बदले में पीए बैठा दिया, पैस्कल बस। ठीक है, इस पूरे यूनिट के बदले पीए बैठा दिया, बस यही चेंजेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ मास, हाउ इज इट डिफाइंड।
तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी यहाँ पे बुक में दिया गया है. किलोग्राम इज द एसआई यूनिट ऑफ मास. इट इज इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम. तो इस तरह से ये पूरा इसका आंसर है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं. अब है क्वेश्चन नंबर 1.15. मैच द फॉलोइंग प्रीफिक्स विद देयर मल्टीपल्स. तो पहला वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका माइक्रो. तो माइक्रो से कौन सा वाला मिलेगा? माइक्रो मीन्स 10 to the power -6. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता जाता हूँ, तो इसको सॉल्व करते हैं. 1.15, तो माइक्रो इज इक्वल टू, करेक्ट आंसर क्या है? 10 to the power -6. दूसरा है डेका. डेका इज इक्वल टू 10 होता है. तीसरा है मेगा. मेगा इज इक्वल टू 10 to the power 6 होता है. नेक्स्ट है गीगा. गीगा इज इक्वल टू होता है 10 to the power 9. और लास्ट वाला है फेमो. फेमटो तो ये होता है 10 to the power -15. ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15. चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर. ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो सिग्निफिकेंट फिगर किसको कहते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर आर दोज फिगर्स और दोज मीनिंगफुल डिजिट्स दैट आर नोन विथ सर्टेनिटी. ठीक है, और इसको और इलाबरेटली लिखना है तो हम एक एग्जांपल देंगे. इफ से 15.6 ml इज द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, तो 15 इज सर्टन वाइल 6 इज अनसर्टन एंड टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आर 3. ठीक है, हेंस सिग्निफिकेंट फिगर आर डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन अ नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट दैट रिप्रेजेंट्स द अनसर्टेनिटी ऑफ द रिजल्ट. ठीक है, तो ये हो गया पूरा. तो मैं इसका नोट्स लिख देता हूं, अब उसी को आप फॉलो कीजिए. ठीक है, तो ये आपका आंसर है. सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोज मीनिंगफुल डिजिट्स दैट आर नोन विथ सर्टेनिटी. फॉर एग्जांपल, इफ 15.6 ml इज द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, देन 15 इज सर्टन व्हाइल 6 इज अनसर्टन एंड टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3. Hence, significant figure defined as the total number of digit in a number including the last digit that represents the uncertainty of the result. ठीक है, तो आज हम यही तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसे आगे बढ़ाएंगे, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेंगे. हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए. आपका आज का दिन शुभ हो, इस शुभकामना के साथ हम लोग आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं. थैंक यू वेरी मच.